एक घंटे नहीं होगा, देख आगे कर दो, ठीक है आगे कर दो। हाँ जी रिप्लेस कर, रिप्लेस कर, पूरा रिप्लेस कर। अगर अभी मैं सामने आऊँगा ना तो देख लेना, सामने आया तो आवाज़ चेक करो एक बार, करेक्ट है यहाँ तक तो? आप तो ये लाइव चल रहा है ना, एकदम लाइव है तो आ गया, मतलब टाइम उसी में करता है ना। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, इसका वही इधर भी ओपन ये पक्का का पक्का। हम क्या हुआ ये क्या है इसका? देखो माइनिंग रेट में खत्म खत्म दोनों रहा, लेकिन एक ही साल सर ये सफर वो रोक प्रवीण से पेशेंट को सबमिट नहीं करी, बाकी सब सबमिट करिया। ठीक है ठीक है सर, ठीक है बिल पे मैंने सब सबमिट करिया, खाली एक कमलेश पवार है वो सबमिट फोन करियो, हर पेपर ने दिल्ली पे देखो लेट फिर कोई बात नहीं, लेट तो कर तो दिया वाला, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, लेकिन आपको तो सही है खाली कंप्लेंट फॉर्म आ रही है कैसे लाइव चल रहा है यूट्यूब पे लाइव। ठीक है ये चलो कोई नहीं, ये तो आप इस चीज़ बना दिया ठीक है, अच्छी बात। आप नेक्स्ट आगे की जो भी मिड टर्म है उनकी प्रिपरेशन कर लो आप, है यहाँ तो क्लियर है ना, विजिबल है ना, ये तो दिख तो रहा है, आवाज़ भी आ रही है, कम आ रही है, कम कैसे आ रही है? हेलो हेलो, अभी भी कम है? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, ये तो पीछे हो गया ना, हेलो हेलो, अब कैसी है? नहीं आप यहाँ पे लाउड स्पीकर पे करके देखो ना, हेलो, ताकि मुझे भी तो पता चले कैसी गा रही है पूरी टीम लाइव आने के लिए, पूरी टीम है, टीम में अनिल जी और धीरेधर जी शामिल है ना। स्टार्ट स्ट्रीमिंग, स्टॉप स्ट्रीमिंग, यानी कि स्ट्रीमिंग चल रही है अपनी, ओके है ना। वैसे कमेंट्स वगैरह जो भी है वो एकदम लाइव चलेंगे यहाँ पे, जो भी आप करना चाहते हो, और ये रिकॉर्ड भी हो जाएगी है ना। ठीक है तो आज अपन YouTube पे पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं अपनी लाइव स्ट्रीम के थ्रू। माइक थोड़ा सा निकल गया है, सही है ना? नहीं वो लैग तो क्या है कि वो ट्रांसमिशन का है ना, यहाँ से अपलोड होती है फिर वापस आपके पास डाउनलोड होती है, उसका है लैग तो रहेगा। अब आवाज़ क्लियर है ना अनिल जी, एक बार चेक कर लीजिए, ओके ठीक है। तो इतनी अपनी ऑफलाइन क्लासेज हो चुकी थी, उनमें तो अपन ने कर लिया था थर्मोडायनामिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिया था, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट यूनिट है अपना, जो मॉड्यूल है वो है अपना आईसी इंजन। तो अगर सिलेबस की बात करें तो मैं आपको सिलेबस देख के बता देता हूँ।
में अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग आईसी इंजन में क्या क्या करना है देख लेते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो जैसा कि अपने थर्मोडाइनमिक्स कंप्लीट कर लिया था ऑफलाइन क्लासेज में या फिर जो भी अपने जूम के थ्रू था वो, उसके बाद में जो अपना है वो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम के थ्रू। तो ये आप इसका ये फ़ायदा ये है कि आप जब भी आपके पास टाइम हो तो आप इस क्लास को कभी भी आप देख सकते हो, है ना। क्यों अच्छी है ना, अच्छी पहल अनिल जी, अनिल सर अच्छी पहल है कि नहीं, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरा माइक्रोफोन प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही होगी, मेरा बोर्ड भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट एयर का आईसी इंजन में क्या है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका आईसी इंजन का। फर्स्ट आपने को करना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन, उसके बाद में है आपका टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ऑफ आईसी इंजन की टर्मिनोलॉजी, क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या उनके वर्किंग क्या है उनके बारे में, और फिर आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन आईसी इंजन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन से आईसी इंजन, यहाँ पर दो वर्ड है, एक है आईसी और एक है इंजन। आईसी का यहाँ पर मीन्स है इंटरनल कंबर्शन, इंटरनल कंबर्शन यानी कि क्या है आपको आंतरिक दहन, आपको जो भी फ्यूल है, जो भी आपका फ्यूल है उसको कैसे क्या किस तरीके से बर्न करना है, आपको इंटरनली बर्न करना है, आपको एक्सटर्नली बर्न नहीं करना है, आपको क्या करना है इंटरनली बर्न करना है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं इंटरनल कंबर्शन, और इंजन, ठीक है। जो आईसी इंजन है वो क्या करता है, जो भी आपकी केमिकल एनर्जी है, जो भी आपकी फ्यूल की क्या है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये क्या करता है, जो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उसी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। अपन ने पहले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म उसको चेंज कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, रूपांतरित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी ना तो अपन बना सकते हैं एनर्जी को, ना ही अपन क्या कर सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में है क्लासिफिकेशन, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक था अपना जो नेक्स्ट है वो क्या है क्लासिफिकेशन। जो आईसी इंजन है उसको किस तरीके से आप क्लासिफाई करोगे, तो क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पे वो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। किस तरीके से, तो एक होता है आपका एसआई इंजन,
एक होता है सीआई इंजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को दो ये दोनों क्लासिफिकेशन में, यहाँ पे अपने को एसआई इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन और सीआई इंजन मींस डीजल इंजन, इन दोनों को ही अपने को डिस्कस करना है, इन दोनों की अपने को स्टडी करनी है, ठीक है। तो क्या होता है आपका एसआई इंजन और क्या होता है सीआई इंजन। एसआई इंजन क्या होता है, एसआई इंजन वो इंजन है जैसे नाम से पता चल रहा है स्पार्क इग्निशन, यहाँ पे क्या है स्पार्क इग्निशन मींस जो इग्निशन शुरू होगा इस टाइप के इंजन में, जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो आपका फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है, इस सिलेंडर के अंदर फ्यूल क्या है, फ्यूल प्लस एयर का क्या है मिक्सचर, उस मिक्सचर को आपको क्या करना है बर्न करना है, उसको बर्न करना। तो उसके लिए कौन सा मेथड आप यूज में ले रहे हो, तो वो है आपके पास में इलेक्ट्रिकल स्पार्क, ठीक है, स्पार्क इग्निशन, यानी कि आप उसको किस तरीके से बर्न कर रहे हो स्पार्क के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका स्पार्क इग्निशन, यानी कि उसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं एसआई इंजन, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये जनरली पेट्रोल इंजन के लिए ये सूटेबल होता है, ठीक है। वो क्यों होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। फिर होता है अपना नेक्स्ट सीआई इंजन, सीआई टेंस टू, सीआई का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन। अनिल जी कंप्रेशन इग्निशन, अब कंप्रेशन इग्निशन मींस जो आपका डीजल होता है, यहाँ पे जो डीजल है वो आपका क्या है हैवी फ्यूल है, क्या है हैवी फ्यूल है एज कंपेयर टू पेट्रोल। इसको जलाने के लिए आपको क्या है हाई कंप्रेशन रेशियो चाहिए, क्या चाहिए इसको बर्न करने के लिए आपके पास में क्या चाहिए हाई कंप्रेशन रेशियो चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कंप्रेशन इग्निशन। अब वो कैसे बर्न करते हैं वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, इसको जब पूरा कंप्लीट देखेंगे तो उस समय। अभी अपने पास में जो क्लासिफिकेशन था वो अपन देख लेते हैं, एक तो था एसआई इंजन जिसको क्या बोलते हैं स्पार्क इग्निशन, दूसरा होता है सीआई इंजन जिसको अपन क्या बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन में जो फ्यूल यूज में आता है उसको ये होता है आपका डीजल, और एसआई इंजन में जो भी आपका फ्यूल यूज में आता है वो होता है पेट्रोल या फिर जो आपकी सीएनजी हो गया या फिर आपका जो है एलपीजी हो गया, इस तरीके से ये फ्यूल वर्क करता है और ये इंजन का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट है वो है अपने पास में दी टर्मिनोलॉजी, इंजन की आपकी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, टर्मिनोलॉजी मींस जो उसके जो पार्ट्स हैं उनके क्या क्या नाम है, उनका नोमेनक्लेचर क्या है, उनके बारे में है ना। तो शुरू करते हैं अपन, एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये आपका क्या है एक तरह का इंजन, ठीक है।
तो ये आपके इस तरीके का क्या होता है आईसी इंजन का एक जनरल स्ट्रक्चर है, या फिर जनरल डायग्राम यही बोला जा सकता है इसको, जनरल डायग्राम ये होता है। अब इसमें अपने को क्या करना है, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझना, क्या क्या कौन से पार्ट है, किन को क्या बोला जाता है और उनकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, ये अपने को समझना है, ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके तो ये मैंने डिनोट किया है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको बोला जाता है TDC और इसको बोला जाता है BDC, ठीक है। और जो इसके बीच में ये जो भी पार्ट है इसको अपन, इस पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक को, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड, क्यों, क्योंकि ये इसके जस्ट सर के ऊपर है ना, इसका हेड है, सर है इसका, इसलिए इसको सिलेंडर हेड बोला जाता है। फिर ये जो है ये वाले और ये वाले, ये दोनों, इनको क्या बोला जाता है, वॉल, इनको वॉल, एक होता है अपना एग्जॉस्ट वॉल, एक होता है इनटेक वॉल, ठीक है। उसके बाद में अगर ये पेट्रोल इंजन है, अगर ये क्या है, पेट्रोल टाइप का इंजन है, यानी कि ये क्या है, स्पार्क, ऐसा इंजन है ये आपका, ऐसा इंजन है, तो उसमें क्या मस्ट है, उसमें कुछ न कुछ स्पार्किंग करने के लिए क्या होगा, एक स्पार्क प्लग लगा होता है, ठीक है, यहां तक। उसके बाद में ये आपका हो गया पिस्टन, ये हो गई आपकी कनेक्टिंग रोड, ये हो गई आपकी क्रैंक, और ये हो गया आपका क्रैंक केस, यहाँ पे आपका जो मोबी ऑयल होता है या फिर जिसको बोलते हैं अपन ऑयल भरा हुआ होता है, ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए या फिर इस इंजन की कूलिंग के लिए। और ये जो है ये क्या है, इसकी मेन शाफ्ट होती है, जहाँ पे अपने को पावर आउटपुट मिलता है, यहाँ पे क्या है, मेन क्रैंक शाफ्ट है, जहाँ पे अपने को क्या मिलता है, पावर मिलती है, पावर आउटपुट मिलता है, जो भी वर्क डन होता है, ठीक है, उससे। अब इस तरीके से ये आपका क्या है, एक इंजन है, किस टाइप का इंजन है, जो है SI इंजन, क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन। जनरली ये कहाँ पे यूज में आता है, जो आपकी बाइक है, जितनी भी बाइक है, जो पेट्रोल से चलने वाली बाइक है, ज़्यादातर पेट्रोल से चलने वाली बाइक है, डीजल से चलने वाली बाइक अब आना बंद होगी, पहले आती थी, लेकिन जो भी अपने पास में जितनी भी टाइप की बाइक्स हैं, तो वो क्या है, सारी की सारी उसमें क्या होता है, SI इंजन लगा होता है, जो पेट्रोल पे रन करता है। तो अब उसकी जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है, वो कैसे काम करता है, उसको समझ लेते हैं। तो ये आपका क्या होता है, पिस्टन, ये आपका क्या है, सिलेंडर, ठीक है। अब सिलेंडर के अंदर TDC और BDC दो पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, दो पॉइंट है, जो पॉइंट है BDC उसको बोला जाता है बॉटम डेड सेंटर और TDC को बोला जाता है टॉप डेड सेंटर, सेम, ठीक है, टॉप डेड सेंटर, TDC और BDC क्या डिफरेंस है, ये टॉप पे होगा, ये बॉटम पे होगा। अब होता क्या, एक्चुअल में अपन बोलते हैं स्ट्रोक कब काउंट होता है, स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक TDC टू BDC के बीच की जो लेंथ है, लंबाई है, TDC और BDC के बीच की जो लंबाई है, उसी को अपन क्या डिनोट करते हैं, स्ट्रोक से, स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर का जो सिलेंडर हेड है, यानी कि वॉल के बीच और जहां पर TDC के ऊपर का एरिया, उसको अपन बोला जाता है CC, कंबर्सन चैम्बर, वो क्या होता है आपका, कंबर्सन चैम्बर। फिर आपके आ जाएंगे आगे इंटेक और एग्जॉस्ट के वॉल, इंटेक वॉल और एग्जॉस्ट वॉल,
इनका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है वो आगे देखेंगे। अभी एक बार अपन जो भी जनरल टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। पिस्टन क्या करता है? पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, उसी से क्या जुड़ी हुई होती है? कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड भी क्या करेगी? पेंडुलम मोशन करेगी। जैसे पिस्टन ऊपर नीचे करेगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन, तो ये क्या करेगी? SHM करेगी। ठीक है, इससे क्या कनेक्टेड होती है? आपकी क्रैंकशाफ्ट। तो वो क्या करेगी? सर्कुलर मोशन में, रोटेशनली मोशन में क्या करेगी? आपका गति करेगी। तो अपने को क्या मिलेगा? एक टॉर्क मिलेगा और RPM मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? RPM मिलेंगे। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है ये सारा का सारा, और वो समझना है अपने को। इसमें क्या होते हैं आपके SI इंजन में या जो IC इंजन होते हैं उसमें क्या होते हैं? फोर स्ट्रोक होते हैं। फोर स्ट्रोक का भी होता है, टू स्ट्रोक का भी होता है। टू स्ट्रोक के इंजन आजकल जो बंद हो गए हैं, बंद होने का कारण है उनका एमिशन। ठीक है, जो इन्वायरमेंट पे क्या कर रहे थे, इफेक्ट कर रहे थे, तो उनको क्या कर दिया है? टू स्ट्रोक के इंजन को बंद कर दिया गया है। जो फोर स्ट्रोक के इंजन है उन्हीं को अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या होते हैं? फोर स्ट्रोक होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सक्शन, देन सेकेंड होता है आपका कंप्रेशन, थर्ड वन इज पावर एंड फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? चार तरीके के क्या हैं? ये आपने अपने पहले भी पढ़े हैं कार्नोट साइकिल इंजन में। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल इंजन क्या था? वो एक थ्योरी थी, उसका कोई प्रैक्टिकल सेंस नहीं था, वो एक थ्योरी थी। ठीक है, उसमें भी ये अपने पास में थे दो आइसोथर्मल और दो आइडियाबेटिक टाइप के क्या थे अपने पास में? स्ट्रोक थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या मिल जाएगा? एक सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, तो अब पहली बात करते हैं सक्शन की। सक्शन कब होगा? अभी क्या, अभी कहाँ पर है मेरा पिस्टन? BDC पे। ठीक है, तो मैं इसको घुमा के क्या करूंगा? TDC पे लेके आ जाऊंगा। जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये पिस्टन क्या करेगा? अब साइड में मूव करेगा, थोड़ा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लाके मैं इसको सेट कर रहा हूँ। अभी मेरा पिस्टन कहाँ है? टॉप डेड सेंटर पर है, यहाँ पर। जब ये TDC पे होगा, जब अपना पिस्टन TDC पे होगा तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं है। अभी ये भी वॉल बंद है, ये भी वॉल क्या है? दोनों वॉल, इनटेक वॉल और एग्जॉस्ट वॉल क्या है मेरे? दोनों के दोनों क्लोज है उस समय। अब क्या करूंगा? जैसे ही मेरा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, ऊपर से वापस नीचे की तरफ मूव करेगा, तो उसी समय क्या होगा? जो इनटेक वॉल होगा वो क्या होगा? ओपन हो जाएगा, ओपन कंडीशन में रहेगा। इनटेक वॉल होगा वो क्या करेगा? ओपन कंडीशन में रहेगा, और वहां से क्या करेगा? वो आगे एक आपका लगा होता है कार्बोरेटर, अगर पेट्रोल इंजन है तो। तो कार्बोरेटर क्या करता है? पेट्रोल और एयर को एक जितना उसको रिक्वायर्ड है, इंजन को जितनी पावर की रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? फ्यूल एयर का मिक्सचर जनरेट करता है, और उसको क्या करता है? इनटेक मैनिफोल्ड में डालता है। इसको क्या बोला जाता है? इनटेक मैनिफोल्ड। और ये है आपका इनटेक वॉल्व। तो जैसे ही पिस्टन नीचे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वैक्यूम जनरेट होगा। यहाँ पे क्या होगा? वैक्यूम जनरेट होगा। तो वो वैक्यूम क्या करेगा? इसमें से जो आपका जो कार्बोरेटर में से जो क्या है मिक्सचर, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है, तो उसको क्या करेगा? सक करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या करेगा? वो सक्शन करेगा। किसका? एयर और पेट्रोल का मिक्सचर को क्या करेगा? सक करेगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर वो क्या, जैसे ही वो BDC पे आएगा, अब पिस्टन क्या हुआ? BDC पे पहुंच गया। जैसे ही BDC पे पहुंचेगा, BDC जैसे पहुंचने वाला होता है उसी समय ये वॉल्व होता है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। जैसे ही वो BDC पे पहुंचेगा तो ये अपना वॉल है, इनटेक वॉल है, वो क्लोज हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो आगे की बातें हैं, अभी नहीं उसको डिस्कस करना। ठीक है, वो कैमशाफ्ट के थ्रू होगा, फॉलोवर के थ्रू होगा, किस तरीके से उसको पुश करेंगे, ओपन करेंगे, वॉल डायग्राम आएगा अपने आगे ना, वॉल डायग्राम में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वॉल ओपन और क्लोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब अनुपात में क्या हो गया? यहाँ पर रिच मिक्सर हो गया, रिच मिक्सचर हो गया, जिसमें क्या है? पेट्रोल प्लस क्या है? एयर। अब वो जलने के लिए तैयार है। मैंने आपको पहले भी बताया था आग लगने के लिए क्या चाहिए? एक ट्रायंगल होता है, फायर ट्रायंगल बोला जाता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक पे O2 चाहिए, दूसरे पे आपको फ्यूल चाहिए, तीसरे पे आपको क्या चाहिए? क्रिटिकल टेम्परेचर चाहिए।
अगर ये तीनों हो गए तो क्या होगा, आपका फ्यूल बर्न हो जाएगा। फ्यूल बर्न होगा मीन्स आग लग जाएगी। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, फायर ट्रायंगल क्या शो कर रहा है, अगर आपने O2 फ्यूल और क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगा। ठीक है, उसी के सिद्धांत पे क्या करेगा, अब ये वापस क्या करेगा, पिस्टन जब इसमें नीचे सक कर रहा था उस समय ये क्रैंक में भी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। वो एनर्जी क्या करेगी, इसको फिर से धक्का देने की कोशिश करेगी, लेकिन उसी समय क्या है, दोनों वॉल क्लोज रहेंगे। तो ये क्या करेगा, इस जो गैस अंदर आई है पेट्रोल प्लस एयर, उसको क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। इसको क्या करेगा, जो इतना वॉल्यूम था उस वॉल्यूम को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, वापस BDC से TDC जाएगा। तब तो अब क्या किया उसने, कंप्रेस किया। तो इसीलिए अपन इसको दूसरा स्टेप क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन मूव करता है BDC टू PDC, ठीक है, BDC से TDC की ओर मूव करता है, और जो भी एयर फ्यूल का मिक्सचर है उसके अंदर उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। अब बात आती है कि जब भी कंप्रेशन होता है, जब भी क्या होता है, कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन के टाइम क्या होता है, जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, गर्म है ना। कंप्रेशन के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर राइज कर जाता है, तो इस एयर फ्यूल मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा। अब क्या हुआ, जो आपका टेम्परेचर है वो राइज कर गया। अब जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, लेकिन वो अभी भी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे नहीं पहुंचा है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच तो गया, लेकिन अभी भी क्या है, बर्न नहीं हुआ। तो उसको बर्न करने के लिए अपने पास में क्या है, एक ऑक्सिलरी सिस्टम होता है, जिस ऑक्सिलरी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, प्लग, स्पार्क। वो वहां पे क्या करता है, जैसे ही वो PDC पे पहुंचने की कोशिश कर रहा होता पिस्टन, उसी समय वो वहां पे क्या करता है, स्पार्किंग करता है, इलेक्ट्रिकल स्पार्क करता है। ठीक है, तो उसको वो वहां से एनर्जी मिलती है, और वो स्पार्क क्या कर देता है, इस फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर को क्या कर देता है, बर्न कर देता है। वहां पे क्या हो जाती है, फायर हो जाती है। जैसे ही वो फायर स्टार्ट होगी तो ये फायर क्या करेगी, वापस से वो जो गैसेज है वो क्या होगी, एक्सपांड होगी, एक्सपांड होगी, एक्सपांड होगी। तो वो क्या करेगी, इस पिस्टन पर थ्रस्ट डालेगी, फिर से नीचे की तरफ धकेलेगी, उसको देगी थ्रस्ट फोर्स, उसको क्या करेगी, नीचे धकेलेगी। तो अब वापस पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अब इस स्टेज में क्या करेगा, पिस्टन TDC से BDC की ओर जाएगा, TDC से BDC की ओर जाएगा, और BDC की ओर जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर फिर से अपने को क्या मिलेगी, पावर मिलेगी। इसको अपन बोलते हैं पावर स्ट्रोक। हेलो, हाँ सर, हाँ वो तो हो गया, उन सर को भी मैंने कॉल किया था लेकिन सर ने अटेंड नहीं किया, फिर वापस वो बोरा सर को। हाँ, वापस आवाज़ आ गई ना, आ गई, मेरे को वहाँ दिख रहा है, माइक्रोफोन वर्क कर रहा है। ठीक, ओके, तो अपन कहाँ पे थे, तो अब क्या हुई, वो गैसेस एक्सपांड होना शुरू हो गई, तो उसने उस पर क्या किया, पिस्टन पे थ्रस्ट दिया। जैसे ही थ्रस्ट देगा तो अपने को क्या मिलेगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा। क्या मिलेगा, पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, एक दो और तीन कंप्लीट हो गए। अब जैसे ही पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगा तो इस क्रैंक में फिर से क्या मिल जाएगी, यहाँ पर ये जो एम मास है उसमें क्या है, लिफ्ट आएगा, यानी कि उसमें रोटेशन मिल जाएगा, वहां पे अपने को पावर मिल गई। तो इसमें क्या है, कुछ न कुछ इसका वेलोसिटी बन जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी, और वो क्या करेगा, रोटेशन करने की, मूव करने की और कोशिश करेगा आगे। ठीक
ठीक है, उसी समय वो मूव करेगा तो वो क्या करेगा, फिर पिस्टन अपना यहाँ पर टीडीसी पे पहुंच, बीडीसी पे पहुंच गया, उस समय क्या करेगा, जैसे ही वो बीडीसी पे पहुंच गया उस समय है वो इसको टाइमिंग यानी कि जो एग्जॉस्ट वॉल है वो क्या करेगा ओपन होगा, उसी समय क्या होगा ओपन होने की कोशिश करेगा, खुलेगा वहां पे, जैसे ही ओपन होगा धीरे धीरे ओपन होगा, वो ओपन होगा उसी समय क्या करेगा ये पिस्टन वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि उसको कौन धकेल रही है अब, इस बार क्रैंक धकेल रही है, क्रैंक उसको धक्का दे रही है कि आप ऊपर जाओ, तो वो जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा जो यहाँ पे जितना भी बर्न गैसेज थी, अब ये क्या था रिच फ्यूल मिक्सचर नहीं रहा, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका बन गया एग्जॉस्ट गैसेज, फाउल गैसेज या जो भी अनबर्न गैसेज है, अनबर्न फ्यूल है, वो सारा का सारा यहाँ पर बचेगा, यानी कि एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट या फिर आप उसको एग्जॉस्ट मटेरियल या एग्जॉस्ट गैसेज बोल सकते हैं, एग्जॉस्ट गैसेज वो क्या है यहाँ पे बचेगी, तो उस समय ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा इन गैसेज को क्या करेगा धक्का लगाएगा, वो धक्का क्या करेगा ये जब वॉल ओपन होगा तो ये यहाँ से आपको बाहर मिल जाएगी और आपके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से होके आपके साइलेंसर से होके बाहर एनवायरमेंट में चली जाएगी, ये प्रोसेस होता है। तो ये क्या हुआ, ये टोटल वन साइकिल कंप्लीट हुआ है, ये क्या हुआ है वन साइकिल कंप्लीट हुआ है, अभी तक क्या हुआ है वन साइकिल कंप्लीट हुआ, इंजन के हर एक साइकिल के अंदर इतने सारे स्ट्रोक होते हैं उनका, ये इस टाइप से वो प्रोसेस काम करता है, ठीक है, उनके सबके क्या है अलग अलग कंपोनेंट के अलग अलग क्या है वर्क है और वो सारे के सारे टाइमिंग होती है उनकी, टाइमिंग इसको बोलते हैं टाइमिंग, कौन सा जो वॉल है किस समय ओपन होगा, कौन सा वॉल किस समय ओपन होगा, ये टाइमिंग होता है, इसको सेंस कौन करता है, जो क्रैंक की पोजीशन है या फिर जो पिस्टन की पोजीशन है, पिस्टन की पोजीशन तो नहीं बोल सकते लेकिन जो क्रैंक की पोजीशन है वो इसको बताती है कि आपको कब ओपन होना कब क्लोज होना, कब ओपन होना कब क्लोज होना, इस तरीके से। तो ये था अपना आईसी इंजन का लेक्चर, इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया आपको, फिर ये आपको ये बता दिया कि भाई आपकी क्लासिफिकेशन किस टाइप किस से हैं, एक आपका ऐसा इंजन है, एक आपका क्या है सीआई इंजन है, ऐसा इंजन का जो मैंने आपको डायग्राम बता दिया कि किस तरीके से ऐसा इंजन वर्क करता है, उसकी टर्मिनोलॉजी होगी क्या होते हैं वॉल क्या होते हैं, सिलेंडर क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, हेड क्या होता है, स्पार्क प्लग क्या होता है, पीडीसी बीडीसी क्या होते हैं, इसके अंदर क्रैंक क्या होती है, क्रैंकिंग रॉड क्या होता है, और ये सारे के सारे क्या क्या उनमें अंदर प्रोसेस होते हैं, जब कौन कौन सी क्रैंक की पोजीशन होती है उस समय कहाँ कहाँ पे वो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सक्शन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है फोर स्ट्रोक इंजन, ठीक है। अब जब है वो ये इंजन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अनिल जी, आज अनिल जी ने थोड़ा सपोर्ट किया है, चेक किया है वीडियो की क्वालिटी, आज पहली बार हमने लाइव क्लास लिया है यूट्यूब पे, तो हमारा सिस्टम भी चेक किया, सिस्टम की कंपेटिबिलिटी भी कितनी है, कितना पावर है, कितनी ट्रांसमिशन है, अपना जो नेट की स्पीड है वो बैंडविड्थ है वो कितनी है वो भी चेक हो गया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई हम सफिशियंट आप कर सकते हैं जो भी है अपना वो हम इस तरीके से लाइव कर सकते हैं, ठीक है। ओके।